बिहार के सिवान से 4 बार सांसद बने शहाबुद्दीन एक बार फिर सुर्खियों में है। हालांकि शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं है। उनका निधन 2021 में 1 मई को हुआ था। जब जिंदा थे तो वे देश दुनिया में बाहुबली के रूप में फेमस थे। क्राइम जगत के कभी बॉस माने जाते थे और सिवान के लोग उन्हें साहब कहते थे। इसी वजह से वे सजायाफ्ता हुए और सदा के लिए सांसदी चली गई और कैद में उनका निधन हो गया था। लेकिन इन सब के बाद भी वे अपने समय में आरजेडी के लिए सब कुछ थे। लेकिन अब स्थिति परिस्थिति सब बदल गई है। इधर शहाबुद्दीन नहीं रहे तो उधर पार्टी की कमान लगभग तेजस्वी यादव के हाथों में आ गई। वहीं शहाबुद्दीन के निधन के बाद से उनकी फैमिली पार्टी से लगभग दूर हो गई है। आरजेडी ने भी उनसे लगभग दूरी बना ली है। ऐसे में आज हम आपको शहाबुद्दीन से जुड़े पुराने 5 प्रसंगों के बारे में बताएंगे। आखिर वो कैसे बाहुबली बन गए और राजनीतिक सफर का कैसे अंत हुआ। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। दरअसल बिहार में मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम से हर शख्स वाकिफ होगा। खासकर पॉलिटिक्स और क्राइम जोन के लोग तो इस नाम को जानते ही जानते हैं। एक वक्त था जब बिहार के सिवान जिले में साहब नाम से मशहूर इस शख्स की हुकूमत चलती थी। तब इस नाम से हर कोई कांपता था। लेकिन हर किसी का वक्त सब दिन एक समान नहीं रहता है। सजायाफ्ता हो गए और जेल में ही बीमार पड़े। 2021 के मई माह के पहली तारीख को उनका इंतकाल हो गया। 10 मई 1967 को सिवान जिले के प्रातापपुर में जन्म लेने वाले शहाबुद्दीन का सफर भी काफी दिलचस्प रहा। बाहुबली से राजनेता बनने का मोहम्मद शहाबुद्दीन का सफर बेहद दिलचस्प रहा। पॉलिटिकल साइंस से पीजी और पीएचडी करने वाले शहाबुद्दीन ने हीना साहब से शादी की थी। उनके अपराध जगत में कदम रखने की कहानी उनके कॉलेज के दिनों से ही शुरू हो गई थी। 80 का दशक था जब शहाबुद्दीन का नाम पहली बार एक आपराधिक मामले में सामने आया था। कहा जाता है कि 1986 में उनके खिलाफ पहला आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद तो उनके नाम के साथ कई क्राइम केस जुड़ गए। इसके बाद तो उन्हें बाहुबली का भी तमग्गा मिलने लगा। आरोपों के दस्तावेज मोटे होने लगे और फिर वे कई मामलों में सजायाफ्ता भी हो गए। लेकिन सबसे अधिक बदनामी तेजाब कांड में हुई। चंदा बाबू के बेटों से जुड़े इस कांड ने शहाबुद्दीन को कहीं का नहीं छोड़ा। अब बात करते हैं 4 नंबर की, शहाबुद्दीन के राजनीतिक सफर की। अपराध के साथ ही वे धीरे धीरे पॉलिटिक्स में भी आ गए थे। पॉलिटिकल साइंस से पीजी की डिग्री भी हासिल हो गई थी। इसी में पीएचडी भी करने लगे थे। 1990 में शहाबुद्दीन की सियासी नजदीकियां लालू यादव से बढ़ने लगी और इस तरह शहाबुद्दीन की एंट्री जनता दल में हुई। उन्हें जनता दल के युवा मोर्चा में जगह दी गई। सिवान में भी उनकी पकड़ तो बढ़ती ही जा रही थी। दूसरे जिलों के मुसलमान वोटर उन्हें मानने लगे थे। मुसलमान वोटरों पर बढ़ते प्रभाव की वजह से उनकी आरजेडी में तूती बोलने लगी थी। इस तरह वे लालू के और करीब हो गए। इतने अधिक करीब हो गए कि उन्हें जनता दल के मेन स्ट्रीम में जगह दे दी गई। और तो और 1990 के विधानसभा चुनाव में शहाबुद्दीन को पार्टी की ओर से टिकट भी दे दिया गया। जीरादेई से वे पहली बार ही चुनाव जीतकर विधायक भी बन गए। 1995 में उसी सीट से चुनाव जीतकर वे दोबारा विधायक बने। उनकी ताकत को देखते हुए पार्टी ने 1996 में उन्हें सिवान से लोकसभा का टिकट दिया। इसमें भी उन्हें सफलता मिली। 1997 में जब लालू यादव ने आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया तो इसमें शहाबुद्दीन को और अधिक कद बढ़ गया। इसके बाद तो वे लोकसभा के चुनाव लगातार जीतते चले गए। अंतिम बार वे 2004 में जीते थे। इस तरह वे अपने राजनीति सफर में 2 बार विधायक और 4 बार सांसद रहे। अब बात करते हैं 3 नंबर की। इतना तो आप जान ही गए कि शहाबुद्दीन 2004 में अंतिम बार सांसद बने थे। तब तक सत्ता ने भी बिहार में करवट लेनी शुरू कर दी थी। सियासी माहौल उनके खिलाफ होने लगे थे। प्रशासन ने उनकी आपराधिक कुंडली पर एक्शन लेना शुरू कर दिया था। तब IPS संजय रतन सिवान के SP बने थे। उन्होंने पद संभालते ही शहाबुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। तब तक बिहार का पॉलिटिकल सिनेरियो बदल चुका था। राज्य में राष्ट्रपति शासन लग चुका था। राष्ट्रपति शासन में ही 24 अप्रैल 2005 को शहाबुद्दीन के पैतृक गांव प्रतापपुर में पुलिस ने जबरदस्त ढंग से छापेमारी की। कहा जाता है कि वहां से भारी संख्या में अवैध हथियार, गाड़ियां, विदेशी मुद्रा आदि बरामद किए गए थे।
दरअसल साल 2004 के चुनाव के बाद से शहाबुद्दीन का बुरा वक्त शुरू हो गया था, और जब प्रतापपुर से इस तरह के हथियार, वाहन, विदेशी मुद्रा मिले तो उन पर कार्रवाई भी शुरू हो गई। पुलिस की एक विशेष टीम ने नवंबर 2005 में शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी दिल्ली में उस समय हुई जब वे सांसद सत्र में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे थे। वहीं इस मामले में कोर्ट ने शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई। इतना ही नहीं, कोर्ट ने 2009 में शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। अब दूसरे नंबर की चर्चा, ये सियासी कहानी नीतीश कुमार पर किए गए कटाक्ष से जुड़ी है। दरअसल बिहार में 2015 में बीजेपी की सरकार चली गई थी, तब नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो गए थे। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव की रणनीति पटल पर आने लगी थी। बाहुबली नेताओं की वजह से आरजेडी पर लगे जंगल राज के दाग को वे धोना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी उस समय पूरी तरह और सियासी तौर पर मैच्योर्ड नहीं हुए थे। इसी दौरान शहाबुद्दीन को कुछ दिनों के लिए बेल मिल गई। वे जब जेल से बाहर निकले तो मीडिया ने नीतीश कुमार को लेकर सवाल दाग दिया। इस पर उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है। उस समय बिहार में महागठबंधन की ही सरकार थी, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे और आरजेडी जेडीयू की मिलीजुली सरकार थी, यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज थे। ऐसे में शहाबुद्दीन की ओर से परिस्थितियों के मुख्यमंत्री कहे जाने पर नीतीश कुमार काफी आहत हुए। 2017 में बिहार की सियासत ने फिर से करवट ली। इसके बाद फिर से शहाबुद्दीन पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। उनकी जमानत टूट गई। उसी दौरान सिवान में एक पत्रकार की हत्या हो गई और इसके बाद उन्हें बिहार के जेल से तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अब बात करते हैं पहले नंबर की। इस नंबर पर भी थोड़ा सियासी बात ही करते हैं। लगातार जो व्यक्ति 2 बार MLA और 4 बार MP रहे, उनका सियासी कद तो बढ़ेगा ही, और यही स्थिति शहाबुद्दीन की भी थी। वहीं विरोधियों के लाख हमलों के बाद भी लालू यादव उन्हें काफी मानते थे और अपने साथ रखते थे। आरजेडी के गठन के बाद तो वे लालू के और नजदीक हो गए। इतना ही नहीं, शहाबुद्दीन के चुनाव पर रोक लगने के बाद आरजेडी ने उनकी पत्नी हीना शहाब को पार्टी में जगह दी। हीना शहाब को 1-2 बार नहीं बल्कि सिवान से लोकसभा चुनाव में 3-3 बार टिकट दिया। 2009, 2014 और 2019 में पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया, हालांकि वे जीत नहीं पाई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो शहाबुद्दीन के जेल चले जाने के बाद आरजेडी ने उनके परिजनों का काफी ख्याल रखा। 2019 के लोकसभा चुनाव में हिना को 3 लाख से अधिक वोट मिले थे। हिना शहाब के चुनाव हारने के पीछे शहाबुद्दीन के समर्थकों ने आरोप लगाया कि यादव वोट उन्हें नहीं मिला। दरअसल 2009 और 2014 के चुनाव में हिना के अगेंस्ट में बीजेपी से ओम प्रकाश यादव चुनाव मैदान में थे और दोनों ही बार ओम प्रकाश यादव चुनाव जीतकर सांसद बने। इसके बाद भी हिना को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा गया था, लेकिन 2022 में गठित कार्यकारिणी में न तो शहाबुद्दीन की पत्नी को ही रखा गया और न ही बेटे को जगह दी गई। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।